नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको नमस्कार। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, बॉक्सिंग, हॉकी, ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। 2020 क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में साइना नेहवाल अब से कुछ देर बाद आया ओहोरी के मुकाबले के साथ अपने करेंगी अभियान का आगाज। चैंपियंस लीग फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन और लिवरपूल ने दर्ज की जीत। और राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कल से हिसार में, नहीं दिखेंगी एमसी मेरी कॉम। ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप शुरू हो गया है। इस समय क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे हैं, साथ ही साथ अभ्यास मैच भी हो रहा है। दुबई में अपने दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। 153 रन के लक्ष्य को भारत ने 17 ओवर और 5 गेंद पर 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। लोकेश राहुल ने 39 और सूर्य कुमार यादव ने 38 रन का योगदान दिया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 152 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 57 रन की पारी खेली। रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लिए। गौस, आज का जो मुकाबला रहा, पहले ही रवि अश्विन को लाया गया, उन्होंने 2 लगातार गेंद पर 2 विकेट लिए, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। और ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर है उसको उन्होंने चलने नहीं दिया, जिसका फायदा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ा टोटल खड़ा नहीं कर सकी। जी बेशक, और आप ये है कि काफी नुक्ताचीनी चल रही थी कि अश्विन को यहां नहीं खिला रहे, वहां नहीं खिला रहे, तो आज आपके समझ आ गया होगा कि अश्विन को कप्तान विराट कोहली ने बड़े संभाल के उनको रखा हुआ था और यहां पे उनका सही इस्तेमाल होगा। और ये दुबई की जो विकेट है, इसमें अश्विन जो है सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। आपने देखा होगा कि दुबई में ज्यादातर स्पिनर्स जो है बहुत प्रभावी रहते हैं, और वहां पर अश्विन ने जिस तरह से गेंदबाजी की वो इस बात का संकेत है कि न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ जो अश्विन रहे हैं, और अब जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा तो खास करके पाकिस्तान के विरुद्ध अश्विन हमारा एक बहुत बड़ा हथियार होगा। वैसे भारतीय गेंदबाजी का जो पक्ष है वो निष्पक्ष रूप से सबसे बेहतर है। आज के मैच में भुवनेश्वर कुमार ने भी किफायती गेंदबाजी की, उनसे भी उम्मीद है कि वो बढ़िया प्रदर्शन करें। खराब लय में चल रहे आईपीएल में भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया। सूर्य कुमार यादव को आज वन डाउन भेजा गया, उनकी फॉर्म पर भी सवालिया निशान था। आज उन्होंने 38 नाबाद रन बनाए। क्या देखते हैं कि प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? जरूरी है, क्योंकि देखिए, एक अगर हम आईपीएल पे नजर डालें और हम जब देश के लिए कोई खेलता है उस पर नजर डालें, तो दोनों अलग अलग पहलू उभर के आते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो घरेलू क्रिकेट में बहुत हैरत अंगेज अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल होती है। तो अगर हम यहां पर देखें, जैसे अश्विन आए हैं और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, भुवनेश्वर ने भी कोई बड़ी किफायती गेंदबाजी की है, अश्विन ने 8 रन देके 2 विकेट लिए हैं, जडेजा तो हमेशा हरफन मौला है, बड़े यूजफुल हैं, उन्होंने भी 1 विकेट लिया है, राहुल चहल जो है वो उन्होंने सिर्फ 16 रन देके 1 विकेट लिया है, वरुण चक्रवर्ती और शार्दुल ठाकुर जो है इस मैच में कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन अश्विन और भुवनेश्वर की जहां तक आपने बात कही, भुवनेश्वर एक ऐसा गेंदबाज है जो हर स्थिति में स्विंग करने की क्षमता रखता है। अब ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की विकेट तो नहीं है, लेकिन इतने बेहतर हैं भुवनेश्वर कि वो अपनी कंट्रोल लाइन लेंथ पर कंट्रोल करके वो बल्लेबाजी की क्षमता को बिल्कुल अक्षम कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस मुकाबले में जो नजर थी, लोकेश राहुल शानदार फॉर्म में हैं, रोहित शर्मा आए, 60 रन बनाए। गौस, एक बड़ा सवाल, पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा? पिछले मुकाबले में ईशान किशन ने लोकेश राहुल के साथ दमदार बल्लेबाजी की थी। अब कोहली को फैसला लेना है, रोहित और राहुल या फिर ईशान किशन? ईशान किशन ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए विराट को शुरू में कोई भी खोना नहीं चाहेगा। वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, तो वो किसी भी वन डाउन कभी भी आ सकते हैं। और रोहित
एक खौफ है। तो किसी भी टीम के खिलाफ जब रोहित जैसा सामने बल्लेबाज खड़ा हो तो वो किसी प्रेशर में नहीं आते, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से खेले हो, इंग्लैंड से खेले हो, श्रीलंका से खेले हो। अब पाकिस्तान अगर उनके सामने है तो उनके अंदर जो उनके पुल शॉट हैं, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, सहवाग ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, तो रोहित एक जबरदस्त हथियार है पाकिस्तान के खिलाफ। और जितना हम ईशान किशन को खिलाएंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि वो कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखता है। और वहां पे प्रेशर में भारतीय खिलाड़ी नहीं रहेंगे, क्योंकि आईपीएल का जो मजबूत पक्ष है वो T20 के अंदर मेंटली काफी प्रिपेयर रहते हैं, टफ हैं भारतीय खिलाड़ी, उसका एडवांटेज उनको मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, इस तरह का कंपटीशन बहुत मायने रखता है और टीम प्रबंधन के लिए भी अब ये बात काफी दिलचस्प हो गई है कि वो किस प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उतरते हैं। इस बीच कुछ और अभ्यास मैच आज हुए। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड पर 13 रन से शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट पर 163 रन बनाए, जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 150 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 51 गेंद पर 73 रन जॉस बटलर ने बनाए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए मार्टिन गप्टिल ने 20 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 41 रन की पारी खेली। गॉस एक बड़ा सवाल, ओइन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज, दोनों का बल्ला खामोश है। ओइन मॉर्गन ने कहा है कि अगर टीम जीतती है और मेरी फॉर्म वापस नहीं आती है तो मैं बेंच पर बैठने को तैयार हूं। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है, और एक बार फिर वही बात उभर के आती है कि हो सकता है कि जहां उनकी जरूरत है देश के लिए तो वो बेहतर करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आनंद, ये एक आज का जो रिजल्ट है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो मैच हुआ, तो भारतीय टीम ने एक अभ्यास मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ने शिकस्त दी। तो ये जो रिजल्ट देखने के बाद अभी तक लगता है कि भारतीय टीम एक सबसे ज्यादा खिताब की दावेदार नजर आ रही है। आज क्वालिफायर मुकाबले भी हुए हैं। ग्रुप ए में नामीबिया ने नीदरलैंड्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 164 रन बनाए, जवाब में नामीबिया ने एक ओवर बाकी रहते ही ये मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि T20 विश्व कप के इतिहास में नामीबिया की ये पहली जीत है। इस जीत के साथ टीम ने मुख्य ड्रॉ यानी सुपर 12 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। नीदरलैंड्स की 2 मुकाबलों में ये दूसरी हार है और उसका सुपर 12 में पहुंचने का सपना लगभग समाप्त हो गया है। इस समय जो मुकाबले होने वाले हैं वो दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला जो है वो भी प्रैक्टिस मैच है। वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान यहां पर खेल रहे हैं और अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमें क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में बड़ी टीमों को चकमा देने का मादा रखती हैं। गौस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक देखिए, नामीबिया जो है क्रिकेट के मानचित्र पे कहीं नजर नहीं आता था। नीदरलैंड की टीम तो काफी अरसे से क्रिकेट जगत में है और वो 2 मैच हार चुकी है, और जिस तरह नामीबिया ने अपना ये मैच जीता और उनकी जो है उम्मीदें बरकरार हैं मेन ड्रॉ में आने की, तो ये बड़ा संकेत है कि आईसीसी जो है वर्ल्ड क्रिकेट में अच्छा काम कर रहा है। और रही बात ये कि अफगानिस्तान की टीम की, तो अफगानिस्तान की टीम का जो सबसे मजबूत पक्ष ये जाता है कि उनका जो एक तरह से होम ग्राउंड है, अब हमारे भारत में ही है, ग्रेटर नोएडा में, उनको यहाँ बहुत अभ्यास मैच मिलते हैं, बहुत ज्यादा उनको मेंटली टफ है वो, और वो किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखते हैं। जी बिल्कुल, इधर दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच भी अभ्यास मुकाबला होना है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक और अभ्यास मैच होना है आयरलैंड और श्रीलंका के साथ। आयरलैंड और श्रीलंका जो हैं वो क्वालिफायर मुकाबले खेल रहे हैं, जिसमें आयरलैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि आयरलैंड ने अपने पहले क्वालिफाइंग मैच में नीदरलैंड्स पर जीत दर्ज की थी। कल हुए मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने मेजबान ओमान को 26 रन से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। पहले मैच में बांग्लादेश को स्कॉटलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में बांग्लादेश को हर हाल में यह मुकाबला जीतना जरूरी था। अब अपने अंतिम
क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश का सामना एक तरफ पापुआ न्यू गिनी से होगा, दूसरी तरफ मेजबान ओमान की टक्कर स्कॉटलैंड से होगी। अगर ओमान की टीम जीत जाती है और इधर बांग्लादेश की टीम जीतती है तो फिर नेट रन रेट के आधार पर यह तय होगा कि कौन सी दो टीमें सुपर 12 में जगह बनाएंगी। आकाशवाणी से विश्व कप 2020 का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 23 अक्टूबर से विश्व कप की कमेंट्री ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी से आप सुन सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन को ऑलराउंडर फैबियन एलन के रिप्लेसमेंट के तौर पर आईसीसी 2020 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज टीम में लिया गया है। फैबियन टखने में चोट की वजह से बाहर हुए हैं और उनकी जगह हुसैन को लिया गया है, जिन्होंने अब तक 9 वनडे और 6 टी20 मुकाबले खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिनसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनका मानना है कि वो एशेज टीम में जगह बनाने की दौड़ में शामिल नहीं है। चोट से प्रभावित रहा उनका करियर। 10 साल के लंबे करियर में पैटिनसन ने सिर्फ 21 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 81 विकेट लिए। उन्होंने 15 वनडे और 4 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला है। उन्होंने कहा है कि वो घरेलू क्रिकेट खेलते रहेंगे। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल अब से कुछ देर बाद जापान की आया ओहोरी के साथ पहले दौर का मैच खेलेंगी। कल पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे। आज अगर हम बात करें तो अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। कोरियाई जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 21-17, 21-13 से पराजित किया। इसके साथ साथ अश्विनी पोनप्पा जो हैं वो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के साथ मिक्स डबल्स में भी उतरी थीं। वहां चीन की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 21-17, 14-21, 21-11 से मात दी। पुरुष सिंगल्स में अब से कुछ देर बाद सौरभ वर्मा का सामना लक्ष्य सेन से होगा। उधर एचएस प्रणॉय जो हैं वो इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी की चुनौती का सामना करेंगे। गौस साइना लंबे समय से सर्किट से बाहर रहीं। हमने देखा कि उबर कप में उन्होंने वापसी की, ओलंपिक में वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। ऐसे जो टूर्नामेंट हैं उनके करियर के लिए कितना अहम होते हैं। अगर वो पहले दूसरे दौर में बाहर हो गई तो उनको सोचना पड़ेगा कि इस सर्किट में अपनी फिटनेस और फॉर्म कैसे हासिल की जा सके ताकि वो पेरिस के लिए अपने आप को कंटेंडर बनाए रख सकें। देखिए ऐसा है कि साइना नेहवाल एक ऐसी खिलाड़ी रही हैं कि जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो कमबैक बहुत अच्छा करती है। रही बात पिछले काफी समय से कोविड की वजह से कई टूर्नामेंट रद्द हुए हैं, ये है कि एकदम डेनमार्क ओपन में वो खेल रही हैं और वहां सबसे बड़ी चीज है उनका अनुभव बहुत अच्छा है। अब सबसे जो सवाल ये उठता है कि उनकी फिटनेस कितनी अच्छी है। अगर उनकी फिटनेस बेहतर है तो उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो अपने अनुभव के आधार पे सामने वालों को मुश्किल में डालने की क्षमता रखती है। और रही बात ये कि वो उस स्तर के खिलाड़ी हैं कि उनको मालूम है कि कब उनको बैडमिंटन को अलविदा कहना चाहिए, लेकिन अभी उनके अंदर काफी क्षमता है और जैसे जैसे उनको क्योंकि कोविड की वजह से काफी टूर्नामेंट रद्द हुए थे वो वापसी करेंगी। ऐसी उम्मीद है कि वो वहां आएंगी जहां भारतीय बैडमिंटन प्रेमी या खेल प्रेमी उनको देखना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज किस तरह से करती हैं। चैंपियंस लीग फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का शानदार प्रदर्शन जारी है। आरबी लाइपज़िग के खिलाफ एक मुकाबले में उन्होंने अपनी टीम के लिए 2 शानदार गोल किए और पेरिस सेंट जर्मेन को 3-2 से जीत भी दिला दी। इस मैच में पीएसजी के लिए 3रा गोल एम्बापे ने किया। इन दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के चलते पीएसजी ने जर्मन क्लब को आसानी से हरा दिया। मेसी के बार्सिलोना छोड़ने के बाद पीएसजी के लिए यह 3रा गोल था। अन्य मुकाबलों की बात करें तो लिवरपूल ने एटलेटिको मैड्रिड को 3-2 से मात दी। आयक्स ने डॉर्टमंड पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। इंटर मिलान ने 3-1 से शेरिफ को हराया। रियल मैड्रिड ने एक तरफा मुकाबले में शख्तर पर 5-0 से बड़ी जीत दर्ज की। आज होने वाले मुकाबलों की बात करें तो बार्सिलोना की टक्कर डायनेमो कीव से होगी, जबकि साल्सबर्ग और वुल्फ्सबर्ग आमने सामने होंगे। जब बार्सा से गए थे पीएसजी मेसी, ऐसा कहा जा रहा था कि उनका मिडफील्ड ऐसा नहीं है जो मेसी को बॉल बनाकर देगा, पास करेगा, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो अपने आप को हर स्तर पर यह दिखाता है कि प्रतिभा एक चीज होती है और प्रतिभा को विश्व मंच पर एक अलग लेवल पर ले जाना महान खिलाड़ी ही कर सकता है। बेशक, और कल का मैच बहुत ही गजब का रहा। और रही बात मेसी की, तो मेसी फुटबॉल का वो प्रोडक्ट है मार्केटिंग में कि जो जहां जाता है कितनी दर्शक भी उसके फैंस भी सब उनसे जुड़ते हैं। तो
गजब के दर्शक कल आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने दो गोल किए, इसमें एक पेनल्टी किक पर था। और रही बात एम्बाबे की, क्या गजब का गोल उन्होंने किया है। उनको थ्रू मिली, थ्रू लेने के बाद एक डिफेंडर उनके सामने था, और सबसे खतरनाक खिलाड़ी अगर कोई थ्रू बॉल पर है तो एम्बाबे है। गजब की शूटिंग है, स्पीड है। तो उन्होंने एक डिफेंडर के होते हुए जो शूटिंग की डिफेंडर के पैर के बीच में से, और गोलकीपर को काफी दूर से बीट किया। गोलकीपर देखते रह गए, बॉल जाल में गई। ये एक जबरदस्त गोल था एम्बाबे का पहला। उसके बाद जो मेसी ने किया वो भी बहुत ही शानदार गोल था। उन्होंने बॉल को रिसीव करके और जिस तरह प्लेस किया है, स्विट्जरलैंड के खिलाफ यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एम्बापे जो पेनल्टी मिस कर गए थे, उस सदमे से उबर कर अपने क्लब के लिए वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कल से हरियाणा के हिसार में शुरू हो रही है। टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली मुक्केबाज पूजा वोहरा में रिंग में उतरेंगी, लेकिन एमसी मेरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन इस चैंपियनशिप में नहीं दिखाई देंगी। ओलंपिक में पदक विजेता लवलीना को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सीधे भेजने का निर्णय हो चुका है। पूजा का भार वर्ग टोक्यो में 75 था, लेकिन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम भार वर्ग में वो खेल रही हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मेरी कॉम ने राष्ट्रीय चैंपियंस शिप में नहीं खेलने का फैसला किया है। झारखंड के सिमडेगा में 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप आज से शुरू हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को 8 पूल में बांटा गया है। इसी प्रतियोगिता के आधार पर इंडियन हॉकी जूनियर टीम की खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। पायस जैन लड़कों के अंडर 17 वर्ग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण दुनिया के नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। पायस के 3,458 अंक हैं। रोमानिया के डेरियस मुविलिनू दूसरे नंबर पर हैं। पायस विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उनसे पहले ये उपलब्धि मानव ठक्कर ने हासिल की थी, जो जनवरी 2020 में अंडर 21 वर्ग में नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हुए थे। पायस ने इस सत्र में अंडर 17 वर्ग में 3 खिताब जीते हैं, जबकि अंडर 19 वर्ग में उन्होंने 2 कांस्य पदक हासिल किया है। टेनिस की बात करें तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना कोविड वैक्सीन स्टेटस बताने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से उनके अगले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने पर संशय पैदा हो गया है। स्टेट ऑफ विक्टोरिया ने कहा है कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हुए खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच ने कहा कि मुझे अब भी पता नहीं है कि मैं मेलबर्न जा पाऊंगा या नहीं। मैं अपना स्टेटस नहीं बताऊंगा कि मैंने वैक्सीन ली है या नहीं। ये एक निजी मामला है और ये एक अनुचित जांच है। जोकोविच 9 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन हैं। गौस, एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति। दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, पिछले साल 3 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते, ओलंपिक में उनका पदक जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। अब वैक्सीन स्टेटस के कारण वो अगले साल के पहले ग्रैंड स्लैम में शायद नहीं खेलते दिखेंगे। देखिए आनंद, कोई भी खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जब वो जाते हैं तो वो अपना स्टेटस उनके साथ शेयर करते हैं, और कोई भी चीज इस स्तर पे कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। तो उनको ये बताना होगा कि उन्होंने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि काफी जगह पे हमारे यहाँ राज्यों में भी ऐसा है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो वो आपको कार्यालय आने से रोक रहे हैं। तो प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, और जोकोविच किसी भी स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल से बड़े नहीं है। जी हाँ, बड़े नहीं है, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं उनके जहन में एक सवाल आ रहा होगा बहुत संक्षेप में, कि ऐसा क्या है कि जोकोविच उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं। मोड़ी खिलाड़ी हैं, जाहिर सी बात है वो इरिटेट हो जाते हैं अगर मीडिया सवाल करता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी हाँ, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या फैसला होता है। इस बीच हम आपको बता दें कि साइना नेहवाल और आया ओहोरी के बीच जो है वो मुकाबला इस समय चल रहा है। कल स्पोर्ट्स कैन में हम इसके परिणाम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। गौस, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।